नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन, सुख, संपत्ति, सफलता, विद्या, ज्ञान व संतान के कारक गुरुदेव बृहस्पति 2023 के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2023 को सुबह 8:10 पर मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के चरण पद चार में रहकर मार्गी हो गए। वे 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिस कारण 2024 के शुरू के चार महीने देवगुरु बृहस्पति मीन राशि वालों पर कुछ राहत बरसाएंगे। मीन राशि वाले जातकों की बात करूं तो वर्तमान समय बहुत ही कष्टदायी चल रहा है, क्योंकि अभी तक गुरु मेष राशि में वक्री रहे, प्रथम भाव के फल गुरु के अच्छे नहीं रहे मिलते, साथ ही शनि की भी चढ़ती 7.5 का प्रकोप आप लोग महसूस कर रहे हैं। खैर, जिन जातकों की चंद्र व लग्न राशि मीन है, यह वीडियो उन सभी जातकों के लिए है। देखिए, मीन लग्न में गुरु प्रथम व दशम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में गुरु मार्गी होने जा रहे हैं। जब कोई सौम्य ग्रह अच्छे स्थानों का मालिक होकर शुभ भाव में मार्गी होता है, तो उन स्थानों का जिनका वह मालिक होता है, वह उस स्थान जहां वह मार्गी हुआ है को शुभ फल प्रदान करता है। द्वितीय भाव में मार्गी गुरु की पांचवी दृष्टि आपके छठे भाव पर, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर व नवम दृष्टि दशम भाव पर होगी। तो मार्गी गुरु क्या क्या खुशखबरी लेकर आ रहे हैं जानते हैं। यदि आप पर कोई रोग, ऋण या शत्रु किसी भी प्रकार की इस पक्ष से परेशानी थी, तो वह अब दूर होगी। शरीर स्वस्थ होगा, रोगों से निदान मिलेगा, आप ऋण चुकाने के लिए सक्षम रहेंगे, साथ ही शत्रु पक्ष पर भी आप लोग विजय प्राप्त करेंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि होने के कारण आप लोगों के स्वास्थ्य में निश्चित ही रिकवरी होगी, चले आ रहे संघर्ष परेशानियां यह दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में बरकत होगी, यदि आप कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नया व्यापार आरंभ करना चाह रहे हैं, तो इस संदर्भ में आपको सुखद समाचार मिलेगा। पिता पक्ष से भी आप लोगों को सहायता मिलेगी, जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हें पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, मनचाहा ट्रांसफर मिल सकेगा, व्यापार में अचानक लाभ प्राप्त करेंगे आप लोग, साथ ही आप लोगों के धन में बरकत रहेगी, एसेट्स बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता परंतु कुछ पहले से राहत भरा समय प्रतीत होता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर गुरु का मेष राशि में मार्गी होना मीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभ फलप्रद है। यदि आप घर बैठे अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मैंने संपर्क सूत्र दिया है, आप छोटा सा शुल्क अदा कर यह सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की असीम कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बने रहे। जय श्री राम।